please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सबसे पहले गोयल साहब आप ही से शुरुआत करते हैं. अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आपका साथ बड़ा पुराना रहा और अभी मैं आपके ट्विटर हैंडल पे था. आपकी शादी से लेकर आपके कई कार्यक्रमों में अटल बिहारी वाजपेयी आते थे. लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के मिशन को क्या पूरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो आपके ध्यान में क्या आता है गोयल साहब? देखिए, मेरा वाजपेयी जी के साथ 40 साल से ज्यादा का संबंध है. वे मेरे गुरु हैं, वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और मैंने उनको नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिला या उन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके साथ मंत्री भी था और जब कॉलेज के दिनों में था तब से लेकर अब तक शायद सैकड़ों कार्यक्रम हमने एक साथ किए होंगे. जो सवाल आपने किया है तो मैं समझता हूँ कि वाजपेयी जी के काम को पहले से ही पार्टी के सभी नेता बढ़ाते आए हैं, पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बाद जिस तेजी से संगठन बढ़ाया, जिसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो संसदीय दल के वर्षों तक अध्यक्ष रहे, वो आज पार्टी 11 करोड़ की संख्या की हो गई है, पूरे देश के अंदर फैल गई है, 20 राज्यों में उसकी सरकारें हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वाजपेयी जी के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चल रही है. सबका साथ और सबका विकास. विकास को आरंभ किया था वाजपेयी जी ने जब उन्होंने गोल्डन क्वार्टरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये जो जितने नेशनल हाईवे देखते हैं, सड़क योजनाएं करी थी. उसको आज आप देखिए कितने किलोमीटर प्रतिदिन बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा. जो ग्रामीण सड़क योजना थी उसको गांव-गांव तक पहुंचा दिया गया है. जो बिजली है उसको हर गांव तक पहुंचा दिया गया है. और जो टेलीकॉम सेक्टर है, जिसकी शुरुआत वाजपेयी जी के समय के अंदर हुई थी, उसके अंदर कितना ज्यादा विकास हुआ है कि 4G आ गया और 5G आने की तैयारी हो रही है. तो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने सही तौर से जो वाजपेयी जी ने दिखाया हुआ रास्ता था, आज वो रास्ते पर चले भी और उन्होंने देश के अंदर संदेश भी दिया. आपको याद कौन सी अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे प्रिय होगी, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे पैनलिस्ट के साथ, कि जब वाजपेयी साहब ने आपके सामने वो बात रखी हो? नहीं, वाजपेयी साहब ने एक बार नहीं, अनेकों बार बात रखी थी और मैं समझता हूं कि मुझे उनके साथ बहुत यात्रा करने का भी मौका मिला है. जब देवली से साडूपुर की उस समय उन्होंने यात्रा की थी, तब वो विपक्ष के अंदर नेता थे और जब हत्याएं कुछ हो गई थी तो उस समय भी मैंने उनको देखा था कि उनके अंदर जो है दर्द है वो झलकता था. और जब मैं उनसे मिलता था तो वो बताते थे देश के अंदर कितनी समस्याएं हैं और इसका समाधान होना चाहिए, और इसके लिए वो पूरे देश के अंदर यात्रा करते थे और वो बताते थे कि लोगों के साथ जुड़ना सबसे आवश्यक है. और जब मैं उनसे पूछता था कि आपकी जिंदगी की क्या इच्छा है, उन्होंने कहा यही है कि लोग कहें कि एक अच्छा आदमी था और ये देश को उन्नति की तरफ ले गया. तो आप देखिए, परमाणु विस्फोट हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, और चाहे जो मैंने योजनाएं आपको बताई, किसान क्रेडिट कार्ड हो, वो सब इन्होंने योजनाएं की. दूसरी तरफ वो सरल हृदय इंसान थे, वो कवि थे और वो चाहते थे लोगों को अपने वो ओजस्वी वक्तव्य से और व्यक्तित्व से वो लोगों को जीतना चाहते थे. और वे जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी उनको नेता बनाकर भेजा गया, तो उसको उन्होंने भली भांति उसके परिणाम दिए. तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं, व्यक्तिगत हैं, सार्वजनिक हैं, राजनीतिक हैं, जो मैं शेयर कर सकता हूं. ये जो लॉटरी का आंदोलन हमने चलाया, उसके प्रेरणेता ही वो थे. सबसे पहले हमने उन्हीं के घर से शुरू किया था, जब सभी गरीब बच्चों को हम उनके यहाँ ले गए थे और उन्होंने सबको भोजन कराया था वहाँ पर. तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास यादें हैं. जिस समय उन्होंने 24 दलों की सरकार बनाई, तब वो चाहते थे कि मैं भी अन्य दलों के नेताओं से संपर्क करूं और मेरा उनसे संपर्क रहता था, इसलिए भी उनको लगता था कि मेरी कुछ उपयोगिता है.